डेट बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। और अब वक्त हो गया है लंच ब्रेक का, ये सीधे चलते हैं श्वेता झा के पास। शुक्रिया मीनाक्षी। और लंच ब्रेक में सबसे पहली खबर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री से जुड़ी हुई, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में करीब डेढ़ महीने से सीए के विरोध में मोर्चे पर डटी है, लेकिन सरकार को लगता है कि यहां देश तोड़ने वालों का अड्डा है। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर तो यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की मौजूदगी भी जैसे भाग गए। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा सुनिए। शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपकी तरफ से लोग चले गए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है और कहा है कि भारत सरकार 4 हफ्ते में जवाब दे। तो लोकतंत्र की जितनी प्रक्रिया है वो सबका अनुपालन हुआ, फिर भी आप धरने पर हैं और आप बैठे हुए हैं, बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, बीमार लोग का एम्बुलेंस निकलने नहीं देते, क्या मतलब है इसका? ये है बड़े सवाल। तो मतलब ये है कुछ लोग साइलेंट मेजॉरिटी को दबा रहे हैं। शाहीन बाग इज इमर्जिंग एज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ फ्यू हंड्रेड पीपल सीकिंग टू सप्रेस द पीसफुल मेजॉरिटी। यह है शाहीन बाग का सही चेहरा और देश के सामने आना बहुत जरूरी है। और लंच ब्रेक में आपको हम बताते हैं रविशंकर प्रसाद ने जिन्ना को लेकर क्या कहा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तो जिन्ना का नाम भी शामिल हो गया है, लेकिन अब देश का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सियासत में शशि थरूर कभी भारत को हिंदू पाकिस्तान कहते थे, आजकल कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। मनीष शंकर अय्यर जाएंगे तो अपने सारे विचार पाकिस्तान में रखेंगे और उनके दूसरे मित्र कभी हिंदू पाकिस्तान और कभी जिन्ना। मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, अब इस देश का कोई बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस की लाइन तो सामने है, वो जिन्ना को ले आए हैं। केजरीवाल जी, जिन्ना के मामले पर आप कहां खड़े हैं, जवाब दीजिए। और जब कांग्रेस जिन्ना को ले आई है तो जिन्ना की सोच पाकिस्तान के अकलियत पर क्या असर डाल गई कांग्रेस, इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग को देश विरोधी लोगों का अड्डा बताया तो उनकी पार्टी के सांसद साक्षी महाराज एक कदम आगे निकल गए। साक्षी महाराज ने शाहीन बाग के बहाने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुट्ठी भर लोग सीए के खिलाफ में खड़े हैं और सारा हिंदुस्तान मोदी जी अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं ना शाहीन बाग में क्या हो रहा है, तमाशा ही तो है। आप मेरा तो इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन जो 41 दिन से शाहीन बाग में शोर मचा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अगर आप उन्हें कवरेज करने के लिए जाएं, आप उनकी बात पूछना चाहें, भाई आपकी बात और सरकार तक पहुंचाएंगे बताइए ना, तो मुझे नहीं लगता आप और आपका कैमरा सही सलामत आएगा, मैं तो जा ही नहीं सकता। नसरुद्दीन साहब को इतना तो ज्ञान होना चाहिए
कि सारे विश्व में मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सम्मानित है और सुरक्षित है इतना कहीं नहीं है। अगर डर लगता होता तो हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान सिंगल, नसीन साहब बताएं, आप बताएं, कोई बताएं, वो भारत छोड़कर के पाकिस्तान की शरण में गया होता, अफगानिस्तान की शरण में गया होता, बंगला की शरण में गया होता, सऊदी अरबिया गया होता, कहीं भी गया होता, अगर यहाँ डर लगता होता तो सीए ला करके सरकार ने भारत की आत्मा को और मजबूत करने का काम किया है। उन्हें हर राष्ट्र विरोधी निर्दोष दिखाई देगा। आपको मालूम है कि नहीं, प्रियंका गांधी मानवाधिकार आयोग जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, जा रही है ना। इस पूरी कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये कांग्रेस तब मर गई थी जो देश के विभाजन के समय करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। ये कांग्रेस तब मर गई थी जब इसी बोट क्लब पर इंदिरा गांधी ने 10,000 संतों का कत्लेआम करा दिया था, गोलियों से भून दिया था। इस कांग्रेस को तब क्या हो गया था? प्रियंका, तुम्हारे ही पिताजी ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान में हजारों सिखों का नरसंहार कत्लेआम कराया, आप क्यों नहीं गई थी? मानवाधिकार आयोग तब क्यों नहीं गई थी? और जब कश्मीर की धरती लाखों पंडितों को खदेड़ा गया, हजारों को कत्ल कर दिया गया, तब आपको मानवाधिकार आयोग याद नहीं आया? आज जब तुम्हारी कुर्सी खाली खतरे में है, आज जब कांग्रेस समाप्त होने वाली है, आज जब देश की जनता ने इस देश को कांग्रेस शून्य करने का संकल्प ले लिया है, तो आपको मानवाधिकार आयोग याद आ रहा है? ध्यान रखिएगा, ये नेहरू का आयोग नहीं है, ये मोदी और अमित शाह का युग है। शाहीन बाग में सरकार को देश के खिलाफ मंच दिख रहा है, तो देश के खिलाफ बयान देने वाले शर्जील इमाम अब तक लापता है। दिल्ली से जहानाबाद तक छापे मारे गए। शर्जील का हर वीडियो देश के खिलाफ जहरीली आवाज है। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक है? नहीं जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना। अब बैठ के हम क्या करेंगे उस पे बात होगी, लेकिन पहले सुकून से बैठ तो जाए यार। चलिए आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है, ठीक है। अब उसमें रोड ब्लॉक कौन है? रोड ब्लॉक भाजपा नहीं है, रोड ब्लॉक कांग्रेस नहीं है, रोड ब्लॉक है जमीयत उलमाए हिंद, रोड ब्लॉक है जमात इस्लामी, ये ठीक है, ये लोग है रोड ब्लॉक। नाम हजारों दिन आप सबके बयान पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक कौन है ये समझ लीजिए। क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? इसका हमने संज्ञान लिया है, यूपी पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है, और हमने अलीगढ़ पुलिस को कहा है कि इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है। और हमने कहा है कि जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं अभियोग के, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो और इन्वेस्टिगेशन हो, और विल फाइंड इट आउट, और जहाँ कहीं भी होंगे वो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। देखिए, जो बयान उसने दिए हैं वो बहुत ही अच्छे बयान नहीं हैं, और वो भड़काऊ बयान हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने पुलिस को कहा है कि मुकदमा दर्ज हो और इसकी विवेचना हो, और विवेचना से जो भी निकलता है उसके आधार पर कार्रवाई हो। बिहार पुलिस से इसमें सहयोग मांगा गया था, बाहरी एजेंसीज जहाँ पे जो भी कांड गठित हुआ है, कांड दर्ज किया गया, उन लोग अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें बिहार पुलिस अपना जो उनका आधिकारिक सहयोग है वो प्रदान करेगी। सरजिल कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये तो लोकेशन जहानाबाद में, मूल निवास जहानाबाद के काको अंतर्गत थाना आता है। गिरफ्तारी भी है उसमें या फिर अभी मैं उसको कहने की स्थिति में नहीं, कार्रवाई चल रही है, उसमें जो कुछ भी आएगा, जो पुलिस पब्लिक के सामने बात होगी वो रखी जाएगी। और अब बात एक और वीडियो की, जिसे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ही जारी किया है, जिसमें एक लड़की देश विरोधी बातें कर रही है। क्योंकि आज हम
जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम भरोसा कर सकते हैं जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए अब्दुल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वो जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था, ये वो जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। और शाहीन बाग में विरोध के पीछे सरकार को साजिश दिख रही है, लेकिन आपको बता दें यहां प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन के 1.5 महीने बाद क्या है हालात, क्या सोच रहे हैं लोग, आज तक संवाददाता ने लिया जायजा। आज हमारे साथ और उनका प्रदर्शन। दिल्ली के शाहीनबाग से फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 43 दिन से अभी तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें देखें, मेरे पीछे जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के पार ही प्रोटेस्ट साइट है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 43 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। मांग की जा रही है सरकार से कि हटाया जाए नागरिकता संशोधन कानून को। यहां पर हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है और पुलिस के साथ साथ ही यहां पर आप पीसीआर भी देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल यहां पर बनी हुई है। हालांकि कल हम आपको बताना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर काफी भव्य आयोजन किया था प्रदर्शनकारियों ने, और साथ ही साथ लगभग 80 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। हर हाथ में तिरंगा और प्लकार्ड लेके लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यहां पर अपील कर रहे थे सरकार से कि वापस लिया जाए कानून। फिर तस्वीरों का रुख करेंगे फिलहाल हम यहां पर। हालांकि अभी फिलहाल यहां पर प्रोटेस्ट साइट पर यदि हम अंदर जाने की कोशिश करें तो अंदर भारी संख्या में भीड़ अभी भी मौजूद है जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ शाहीन बाग की तर्ज पर देश भर में अनेक इलाकों में दोबारा से शुरू हो गए हैं NTCAA प्रोटेस्ट। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, रविशंकर प्रसाद ने अभी अभी एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग सिर्फ एक प्रदर्शन का स्थल नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहा है। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब से शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ है लगातार इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। जिस तरह से शर्जिल जो शाहीन बाग के आयोजनकर्ताओं में से एक था उसके वीडियो आए, तो लगातार साक्षी महाराज ने भी बयान दिया। इन सब के बीच जो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर हैं, जो महिलाएं हैं, वो चाहे शर्जिल हो चाहे जितने भी विवादास्पद बयान हो उनसे किनारा कर रहे हैं। शाहीन बाग की महिलाएं कह रही हैं कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम शांतिपूर्वक यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाऊं कि देखिए सामने की तरफ वो जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि धीरे धीरे जो ये प्रदर्शन का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यहां पर पुलिस बैरिकेटिंग है श्वेता, और इसके पीछे आप जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। आज आपको बता दूं कि जो मुनव्वर राणा की बेटी है जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर बैठी थी, वो शाहीन बाग आने वाली है महिलाओं के समर्थन में, जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन सबके बीच जैसा कि आपने बताया कि रविशंकर प्रसाद ने बयानबाजी दी, साक्षी महाराज है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं या शाहीन बाग के प्रोटेस्टर हैं वो किसी भी सियासत से सीधे सीधे किनारा कर रहे हैं। बकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हैं और बताते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शर्जील के जो शर्जील इमाम, उसके लगातार भड़काऊ बयानबाजी आई थी, उसको उससे भी शाहीन बाग के प्रोटेस्टर ने किनारा किया उनका। लेकिन अरविंद, क्या शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हैं उनसे आपकी बात हुई है दोबारा शर्जील के वीडियो के आने के बाद? क्योंकि एक एक बयान पहले हम सुना लेते हैं शर्जील का, उसके बाद आपसे और जानकारी लेते हैं। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में एक महीना लगे, ठीक ही नहीं जाए एयरफोर्स से। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां छिपा है देश विरोधी शर्जिल,
ये देखिए आपको बता दें, दिल्ली जामिया कैंपस के बाहर इसने बयान दिया था, एएमयू कैंपस में भी इसने बयान दिया है, साथ ही साथ पटना बिहार में शर्जिल को लेकर लोकेशन, इसकी जो लास्ट लोकेशन शर्जिल की पता चली है वो पटना पता चली है, इसीलिए बहुत संभव बताया जा रहा है कि बिहार में ही शर्जिल कहीं पर छिपा हुआ है। अगर इसके पुश्तैनी घर की बात करें तो जहानाबाद का है शर्जिल, इसलिए जहानाबाद में भी पुश्तैनी घर में इसकी तलाशी की जा रही है, हालांकि वहां पर शर्जिल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आपको बता दें कि मुंबई के मोरलान में भी शाहीन बाग की तरह विरोध प्रदर्शन जारी है, यहां भी महिलाएं सीए के खिलाफ सड़क पर बैठ गई हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त हम मुंबई के मॉरलैंड रोड इलाके में हैं, जहां पर कल रात से औरतों का एक प्रोटेस्ट शुरू है। जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट है और यहां पर शायद जो ऑर्गेनाइजर, उनकी ये नियत है कि शाहीन बाग जैसे इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना है। हम लोग इंशाल्लाह को शाहीन बाग की तरह ही बनाएंगे। जो बहनें वहाँ दिल्ली में बैठी हैं, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, हम यहीं पर बनाएंगे शाहीन बाग, मुंबई बाग हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ बैठेंगे जब तक कि हमको हक नहीं मिलेगा, हमारा फैसला नहीं होगा जो हमारे हक में बेहतर है। हम यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, बचपन से यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, हमारे माँ बाप सब कुछ यहाँ के हैं, तो हम लोग क्यों किसी को पेपर दिखाएं, कागज़ दिखाएं, ये हमारा हक है, हम यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह। कल रात को परहैप्स 2 या 3 बजे करीबन 300 या 400 लोग जमा हो चुके थे जो अपने आप से आए थे। कितने लोगों ने यहाँ से आज आसपास में से कविताएं सुनी, नारेबाजी सुनी और वो क्यूरसों के नीचे आए, पर बहुत लोग बड़े कई सारे नंबर्स में आए हैं और अभी ये इंशाल्लाह और स्केल में बढ़ेगा और पैशन में बढ़ेगा और उत्साह में बढ़ेगा। तो बस वही वही हमारी कोशिश है, वही हमारी शाहीन बाग देखा।